विकास खंड चरगावा के ग्राम सभा सोनबरसा में 3 बूथों पर भारी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए पीठासीन अधिकारी के साथ सुरक्षा व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त देखी गई। मतदान की सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे SP ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने मतदाताओं से मास्क लगाने की अपील की और कहा कि बिना मास्क के कोई भी अपना वोट नहीं दे पाएगा। इस दौरान मतदान स्थल पर काफी बुजुर्ग महिलाएं और दिव्यांग मतदाता भी देखे गए। मतदान स्थल पर बारी बारी से एक एक मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर दिया गया, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पीठासीन अधिकारी धीरज कुमार और SP ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने बताया। इसके पहले वोट नहीं डाले मिल गया है। मास्क लगाइए, सभी लोग मास्क लगाइए। मास्क नहीं लगाएंगे तो लौटा देंगे। मास्क लगाइए आप लोग। पानी मारा ठीक है। वहाँ जाना तो मैं तो यहाँ का है ना, तो करे कि नहीं चेक करा लो। वहाँ से नंबर पर्ची ले लगे मैडम खातिर के बटला आएगा। इसमें नाम है। चलो ठीक है, आराम से हो जाएगा। ठीक है दादा, 4 पर्चा है, सबको टाइम लग रहा है। इसी में लग टाइम लगेगा, सबका पड़ेगा, टेंशन नहीं है, सबका पड़ेगा। जो लाइन में आ गया सबका पड़ेगा। ठीक, 4 पर्चा है, लोग धीरे धीरे दे रहे हैं। ठीक, मशीन वाली नहीं है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मास्क लगा लीजिए, दूरी बनाए। मास्क लगा लीजिए, हम लोग कभी ले रहे हैं। कितने बूथ हैं आपकी ड्यूटी है? आप लोग मोबाइल फोन तो नहीं लिए? कोई नहीं लिए ना? सब लोग पास में आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो, पूर्ण शांति के साथ शाम 6 बजे तक मतदान। ठीक, इतना ध्यान में रखा है, कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी, किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ठीक, और आप लोगों को दूर से देखते रहना है कि फला व्यक्ति गलत वोट डाल रहा है, उसके लिए एप्लीकेशन लिख करके और किसको देना, पीठासीन को देना। ठीक है, उसकी 5 रुपये फीस भी होती है, उसमें लगाई जाती है एप्लीकेशन में। इतना एक कार्य आप लोगों का होता है, और कुछ गड़बड़ी हुई तो अल्टीमेटली फिर आप लोग भी उसमें सम्मिलित हो गए। लगा ले लिए ना, ये बच्चों को देखो, बिना लिए हो, ये छोटे बच्चों को लाना ही नहीं है, और मास्क भी नहीं लगाए हो। आप नाम ढकिए मास्क में, आप नाम ढकिए। नाक है ना, सब लोग ढक रहे हैं। मास्क लगा के रहना, बिना मास्क के कोई नहीं रहेगा। थोड़ा दूर दूर हो जाइए, जगह है, थोड़ा दूर हो जाइए, थोड़ा दूर दूर होइए, थोड़ा पीछे हटिए, सबके लोग खड़े हैं, थोड़ा दूर हटिए। 6 साल का है, वही दूर से। ये सबको जरा टोका टाकी करते रहे कि मास्क लगा करके ही, और मोबाइल फोन अंदर नहीं जाएगा। ये कैसे बैठे हैं? Yeah, 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 yeah
धीरज कुमार। मतदान सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुआ है, ठीक है जी। किस तरह के कोई समस्या है? नहीं, अभी तक तो कोई समस्या नहीं है। मास्क लगा के आ रहे हैं? हाँ, कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं लोग, पालन कराया भी जा रहा है, कर भी रहे हैं लोग, जागरूक भी हैं लोग, कर रहे हैं, इसका पालन कर रहे हैं। और शाम को 6 बजे तक वोटिंग है और देखते हैं कब तक चलता है। पूरे मतदान केंद्र में यहाँ 4 बूथ हैं और हमारे मजिस्ट्रेट साहब भी यहाँ मौजूद हैं। मतदान पूर्ण शांति के साथ जो है चल रहा है और पर्याप्त पुलिस बल भी है। सभी जो यहाँ के अभिकर्तागण हैं उनको भी बता दिया गया है कि मतदान में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और सर कोई भी व्यक्ति जो है मोबाइल फ़ोन लेकर के 100 मीटर की परिधि में नहीं आएगा और ना किसी प्रकार का कोई जो है भीड़ यहाँ एकत्र होगी। मतदान व्यक्ति अपना करे और मतदान करने के उपरांत अपने गंतव्य अपने घर को चला जाए। और जो लोगों के बूथ भी है जिसमें कि मतदाता पर्ची देते हैं उनको भी 200 मीटर दूर ही रखा गया है और पूर्णतः आचार संहिता का पालन करते हुए मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराया जाएगा। कोविड की क्या स्थिति सर? कोविड गाइडलाइन इसमें भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि सभी लोग अपना मास्क लगा करके ही अंदर प्रवेश करें, लाइन में भी लगे तो मास्क लगाए रखें, बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति जो है लाइन में ना लगे।